दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को मात्र 5 दिन बचे हैं। ऐसे में इस मैच का रोमांच अपनी सभी सीमाओं को पार कर चुका है। दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए नई नई रणनीति बना रही हैं। इस बीच भारतीय टीम के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले के लिए एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे सुनकर पाकिस्तान की टीम के तो पसीने छूट गए। और यदि उनकी ये प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है तो वो आसानी से पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी टीम में एक ऐसे दिग्गज को बाहर का रास्ता दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिन्हें धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला दुनिया का सबसे खतरनाक मुकाबला होता है और इस मैच का सारी दुनिया पर नजरें टिकी होती हैं। ऐसे में इस मैच में एक परफेक्ट और बेहद खौफनाक प्लेइंग 11 खिलाना बहुत जरूरी होता है ताकि सामने वाली टीम को इस मुकाबले में हराकर मैच जीता जा सके। और इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे सुनकर आपका चेहरा भी खुशी से खुल उठेगा। लेकिन सारी दुनिया उनकी इस टीम से खौफ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारत के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने अपने देश को 3 ICC ट्रॉफी जिताई है। तो ऐसे में भारत में उनके अलावा शायद ही कोई खिलाड़ी है जो ऐसे बड़े टूर्नामेंट के प्रेशर और सिचुएशन को जानता हो। उनके द्वारा दी गई इस प्लेइंग 11 का परफेक्ट होना तो लाजमी है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इस टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों को सौंपी है। जी हां दोस्तों, यहां पर धोनी ने KL राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया तो वहीं पर नंबर 3 की जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव के भरोसेमंद कंधों पर दिखाई दी है। आगे मिडिल ऑर्डर में उन्होंने विकेट कीपिंग और नंबर 4 की बल्लेबाजी की कमान युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को सौंप दी तो वहीं पर नंबर 5 की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज दीपक हुड्डा को देकर सभी को हैरान कर दिया। लोअर मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 और नंबर 6 पर उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया। धोनी ने स्पिन गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से रविंद्र जडेजा और लंबे समय के बाद टीम में वापसी करने वाले युजवेंद्र चहल पर भरोसा दिखाते हुए अपने अनुभव को साबित किया। तो वहीं पर भारतीय पेस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार और आवेश खान और युवा लेफ्ट हैंडेड तेज गेंदबाज अर्शदीप को देकर सभी को चौंका दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको MS धोनी की खतरनाक प्लेइंग 11 और आपको क्या लगता है कि MS धोनी को KL राहुल को मौका देना चाहिए था या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।